नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो एक ट्रांसफर न्यूज़ आया है फिर से ईस्ट बंगाल एफसी से रिलेटेड ही, तो डिटेल्स में बात करूंगा इसको लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट जो है लोकल बंगाली गोलकीपर को अपने टीम में साइन करवाना चाहती है। बहुत सारे गोलकीपर को शॉर्टलिस्ट किया है। तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि आदित्य पत्रा जो बेंगलुरु एफसी के लिए जूनियर लेवल में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने साइन कर दिया है आदित्य पत्रा ने। तो अभी फिलहाल एक और गोलकीपर को लेकर अपडेट आ रहा है जो कि संजीवन घोष है। तो दोस्तों, संजीवन घोष के बारे में अगर बात किया जाए तो संजीवन घोष नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेल रहे थे और इनका उम्र है 30 वर्ष। तो संजीवन घोष के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट जो है बातचीत चला रही है अपने आने वाले सीजन के लिए। तो आदित्य पत्रा को तो ऑफर दिया ही है और उसके साथ साथ दोस्तों संजीवन घोष को भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में साइन करवाना चाहती है। तो संजीवन घोष ने चेन्नई एफसी के लिए भी खेला है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। हालांकि ISL में इनको उतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में संजीवन घोष को साइन करवाना चाहती है। तो दोस्तों, आदित्य पत्रा के बाद संजीवन घोष का चांस काफी ज्यादा है जो ईस्ट बंगाल एफसी में साइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।